आपका डेवलपमेंट, आपका जो प्रोग्रेस है लाइफ का, वो पता चलता है आपके भाषा से। तो सोचने वाली बात है कि सिर्फ 26 लेटर्स से बनने वाली जो भाषा है इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपको टफ लगती है, और 52 अक्षरों से बनने वाली जो भाषा है हिंदी, वो आप सीख चुके हैं, आप जानते हैं। तो आप में क्षमता है, कैपेसिटी है आप में, कि आप कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि आप एक वैज्ञानिक भाषा हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, तो अंग्रेजी क्यों नहीं? कई लोगों का होता है अंग्रेजी सीखे ही क्यों? इसलिए क्योंकि इससे आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। अभी आप अगर शहर में रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दैनिक बोलचाल में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, और इससे ये उनका स्टैंडर्ड पता चलता है कि ये किस स्टैंडर्ड के लोग हैं। आप सबसे अगर पिछड़े वर्ग में हैं तो आप ठेठी, मैथिली का टूटा फूटा रूप वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, गांव देहात का भाषा। फिर थोड़े से आगे बढ़े होंगे तो हिंदी बेहतर बोलना सीख गए होंगे, और अब उससे आगे निकलिएगा तो अंग्रेजी बोलना शुरू करिएगा, तो आपका डेवलपमेंट, आपका जो प्रोग्रेस है लाइफ का, वो पता चलता है आपके भाषा से। तो इफ यू वॉन्ट टू बी एन ऑफिसर, देन यू हैव टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश मीन्स वॉट? इट मीन्स योर पर्सनैलिटी। अंग्रेजी भाषा एक पर्सनैलिटी का प्रमाण बन चुकी है। विश्व के लगभग देशों में अंग्रेजी बोली जाती है या कम से कम समझी जरूर जाती है। तो अगर आपको भी एक लंबा दुनिया जीना है, एक लंबे दुनिया में जीना है, तो अंग्रेजी आनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है बेसिक इंग्लिश लेटर से। When we combine letters and it gives a complete sense, it means this is a word. Word, a group of letters that gives a complete sense is called word. It's a C-A-R, car. Meaning hai, to word hai. X, Y, Z, no meaning means it's not a word. वर्ड होने के लिए मीनिंग होना जरूरी है, अर्थ होना जरूरी है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। नेक्स्ट वर्ड, अगर हम वर्ड को कंबाइन करें, वर्ड को आपस में जोड़ें और उसका एक मीनिंग आए, ए काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट गिव्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव अ कंप्लीट सेंस, सेंटेंस। अब जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं, ए काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसको ब्रेक करें, ए क्या है, काउ क्या है, इज क्या है, ग्रेजिंग क्या है, इन क्या है, द क्या है, फील्ड क्या है, ये है स्पीच सेंटेंस को तोड़ना। तो सेंटेंस को तोड़ेंगे, उसको पार्ट बाय पार्ट करेंगे, तो क्या बनेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। डिड यू गेट इट? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, स्पीच को ब्रेक करेंगे, उसके जो पार्ट्स बनेंगे वही है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाउ मेनी टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज? टोटल कितने हैं? 8। 8 कौन कौन है? Noun, pronoun, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ये कितने हुए? ये कितने हैं? 8। तो टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इन्हीं टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूरी ग्रामर जो है, पूरी ग्रामर इसी में समा जाती है। यानी इतना आप सीख जाते हैं मतलब आपको ग्रामर आती है। कुछ चैप्टर्स और हैं जो इसी से कनेक्टेड हैं, जैसे नाउन जब आप पढ़ेंगे तो नाउन से कनेक्टेड चैप्टर कौन सा? आर्टिकल। वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब से कनेक्टेड चैप्टर है टाइम एंड टेंस। वर्ब से ही कनेक्टेड आप कह सकते हैं सिंटैक्स।
और वर्ब और सेंटेंस को अगर कनेक्ट करके हम देखें तो उसको अलग अलग तरीके से कहने की जो कला है वॉइस एंड नरेशन, तो इन्हीं से कुछ लिंक्ड चैप्टर्स और भी हैं ग्रामर में। आपको ग्रामर टफ लगती है? व्हाई? द रीजन इज वेरी सिंपल। आप कभी हिंदी व्याकरण पढ़े हैं क्या? वो आसान लगी थी? आप जब हिंदी समझ चुके थे उसके बावजूद आपको हिंदी व्याकरण बोरिंग लगी होगी, टफ लगी होगी। और अगर वी कंपेयर इंग्लिश ग्रामर विद हिंदी ग्रामर, देन सर्टेनली वी विल फाइंड दैट इंग्लिश ग्रामर इज मच इजियर देन हिंदी ग्रामर। डू यू बिलीव इट? ये सच है। सोच लीजिए, ये सच है कि हिंदी ग्रामर से इंग्लिश ग्रामर ज्यादा आसान है। अब जैसे एक चैप्टर शुरू से एक चैप्टर के अंदर जाके देखते हैं क्या क्या पढ़ना होता है। तो नाउन, नाउन में क्या क्या पढ़ेंगे? सिंपली इफ वी डिफाइन द टर्म नाउन, इफ वी डिफाइन द टर्म नाउन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का नाम, दुनिया में हर चीज का नाम है। ये कप है, टेबल है, बुक है, पर्सन, मोबाइल फोन, हर चीज का एक नाम है। और नेम मीन्स नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नेम, पार्टिकुलर नेम, खास नाम, विशेष नाम किसी भी चीज का, वही है प्रॉपर नाउन। काउंटेबल, काउंटेबल, काउंट प्लस एबल, काउंटिंग जिसका हो सके, काउंटिंग पॉसिबल, वही है काउंटेबल। एंड थर्ड, थर्ड, अनकाउंटेबल, नॉट काउंटेड, काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, वही है अनकाउंटेबल। कितना सिंपल है, प्रॉपर, पार्टिकुलर, काउंटेबल, काउंट प्लस एबल, यानी काउंटिंग संभव हो, अनकाउंटेबल, नॉट काउंटिंग, नॉट काउंटेड, नॉट पॉसिबली काउंटेड। आसान है, बस आप उसको तोड़िए, एक शब्द को तोड़िए, उसके अंदर समझिए किस चीज से बना है। डिड यू गेट इट माय पॉइंट? आर यू विद मी? व्हाट्स द कंप्लीट सीरीज? I am going to discuss every minute point of English grammar with you. Proper noun, countable noun, and we divide countable noun into two types. Countable में first common noun, second collective noun. Common noun is common names, boy, dog, girl, school, place, common name जिससे किसी खास का पता ही ना चले। एंड कलेक्टिव नाउन, इट्स अ नेम फॉर कलेक्शन, इट्स अ नेम फॉर कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन है। जैसे बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ इकट्ठे हो गए, टीम, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे कहीं पे, वह स्कूल, तो स्कूल है कलेक्टिव नाउन। एक बैच है, ग्रुप है, हर्ड है, कैटल है, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन। जब चीजों को एक साथ इकट्ठा करेंगे, जैसे बहुत सारे जज को एक साथ बैठा दिया और बन गया जीओई, जीओई, तो क्या है? कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, जिसका काउंटिंग ना हो, तो उसमें दो टाइप्स उसमें भी है, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैटेरियल मींस व्हाट? एनी मैटर, मैटर आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, मैटर जो जगह छेकता है, जिसमें भार होता है, ऐसा कुछ। तो सिंपली वी कैन डिफाइन मैटेरियल नाउन मींस द नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको मापा जा सके, तोला जा सके, गिना नहीं जा सके, ये क्या? मैटेरियल नाउन। इस ऑयल, वाटर, सुगर, घी, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, एयर, क्या है ये? मैटेरियल नाउन। एंड द लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या? निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, भाव में है वो, फीलिंग्स में है वो, अनुभव में है वो, क्वालिटी है वो, माइंड के अंदर है, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख नहीं सकते उसको कभी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स द नेम ऑफ फीलिंग्स, क्वालिटी। चाइल्ड, चाइल्डहुड,
फ्रेंड फ्रेंडशिप, मैन मैनहुड, किंग किंगशिप, रॉबर रॉबरी, क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट नाम। अगर कभी हिंदी के किसी कविता में, गीत में आप अगर सुन लेते हैं कि वो देखने का सेंस दे रहा, गलत है, वो बस उस कवि की अपनी कल्पना है कि बचपन देखा, जवानी देखी, फिर देखा बुढ़ापा, तीन सब इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाम के हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा। वो देखने की बात कर रहा है इमेजिनेशन से, कल्पना से, आप बचपन नहीं देख सकते। पोस्टर पे लिखा हुआ है कि मार धार एक्शन से भरपूर, एक्शन से भरपूर देखें, एक्शन देखा नहीं जा सकता, आप हीरो के पांव को हाथ को देख सकते, एक्शन नहीं देख सकते, वो फीलिंग है, वो एक फीलिंग है, मन की अवस्था है, आप मन में मस्तिष्क उसके बारे में सोच सकते हैं। ये था नाउन के बारे में। नाउन से कनेक्टेड तीन टॉपिक और आते हैं, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस।